नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 13 साल पहले हुए पहले सांप्रदायिक युद्ध के बारे में। दोस्तों इंसानों में जंग कोई आज से नहीं, कई हजारों सालों पहले से चली आ रही है। सहारा के रेगिस्तान में प्राचीन इतिहास से जुड़े कई कहानियां छिपी हुई हैं। माना जाता है कि दो नस्लों के बीच पहला युद्ध यहीं से हुआ था और अब 13,000 साल पुराने मिले कंकालों की स्टडी से संकेत मिल चुके हैं कि यह जंग कोई एक घटना नहीं थी बल्कि कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ थीं। सूडान के जेबेल सहाबा कब्रिस्तान के अवशेषों में ठीक हो चुके चोटों के निशानों से संकेत मिले हैं कि इन लोगों ने कई हिंसात्मक घटनाएं झेली, न कि एक बार युद्ध में लड़कर मारे गए। इस कब्रिस्तान की खोज 1956 में नील नदी के पूर्वी तट पर की गई। इसमें 11,000 BC के 61 लोग दफन थे। इनमें से आधों की मौत तो घावों से हुई थी। वैज्ञानिकों को पहले लगा था कि शिकार करने वाले और मछली पकड़ने वाले लोग आपस में किसी युद्ध में मारे गए और इसे दुनिया की सबसे पहली सांप्रदायिक हिंसा मानी गई थी। नई माइक्रोस्कोपी तकनीकी की मदद से इनकी हड्डियों को फिर से स्टडी करने पर पता चला कि ये कई हिंसात्मक घटनाओं में घायल हुए हैं। हो सकता है इसके पीछे जलवायु परिवर्तन का कारण भी रहा हो। ये कंकाल लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं। इन्हें फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ टूल्स के वैज्ञानिकों ने स्टडी किया। इस स्टडी में 106 ऐसे निशान मिले हैं जो पहले के स्टडी में नहीं देखे गए, जिसे हथियारों से लगी चोटों, एकल युद्ध और प्राकृतिक कारण से मौत की अलग अलग पहचान मिली। रिसर्च के वक्त 41 ऐसे लोगों की पुष्टि की गई जिनके सर पर घाव या भर रहे घाव मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि नील घाटी के समुदायों के बीच हुई घटनाओं की संख्या से भर चुके घावों की संख्या मिलती जुलती है। ये घटनाएं लेट प्लेस्टोसीन काल में 1,26,000 से 11,700 साल पहले की हैं। रिसर्च में कहा गया कि ये झगड़े अलग अलग समुदायों के बीच हुए होंगे। साइंटिफिक रिपोर्ट में कहा गया कि इन झगड़ों के पीछे प्रभुत्व की लड़ाई और जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई स्थिति हो सकती है। दरअसल हिमयुग में पर्यावरण से जुड़ी आपदाओं के कारण ये लोग एक दूसरे के पास रहने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के हिमखंडों ने मिस्र और सूडान का तापमान ऐसा कर दिया था कि ये लोग नील नदी के पास रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन नील नदी से उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी। वे थोड़ी सी जमीन पर सुरक्षा तलाश रहे थे और उनके पास संसाधन भी कम थे। खाने की कमी के कारण मछली पकड़ने को लेकर इन समूहों में झगड़े हुए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हुआ दुनिया का सबसे पहला सांप्रदायिक युद्ध। तो दोस्तों इस घटना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे नए वीडियो ला सके। दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।